आवडलं? स्पीक. हो ओली आवडलं. हो माझी शोन. हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. सो आज मैं बहुत टाइम बाद वीडियो पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे एंड नाउ एवरीथिंग इज वेल. सो गाइज आपको हर एक वीक में एक एक वीडियो मिलती रहेगी एंड होप यू विल लाइक इट. सो चले फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो आज का वीडियो बहुत ही यूनिक है बिकॉज ये हम हमारे पेट्स, पालतू डॉग्स या फिर जो स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं उनके लिए बनाने वाले. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मैंने यहाँ पे लिया है एक कार्डबोर्ड स्क्वायर शेप में और उस पर बना रही हूँ एक बोन शेप जो कि हमारे टैग और पेंडेंट को देना है हमें. पेंसिल से आप रफली पहले ड्रॉ कर लीजिए. फिर आपको लेना है एक परमानेंट ब्लैक मार्कर या फिर स्केच पेन जो भी अवेलेबल होगा वो, और उससे बॉर्डर कर लेनी है, मार्कअप कर लेना है कुछ इस तरीके से. एंड देन यू हैव टू टेक अ कटर या फिर सीजर जो जैसे आपका कार्डबोर्ड का टाइप होगा वैसे. एंड कट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा. अभी फिनिशिंग नहीं है, हम उसके लिए भी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे. सो चलिए फिर अब इसको फटाफट से कलर करते हैं. सो फर्स्ट हम लेंगे व्हाइट कलर एज अ प्राइमर टू इट. सो थोड़ा सा गीला ब्रश लेके मैंने उसको थोड़ा सा गीला कर दिया है कार्डबोर्ड को, और उसके ऊपर व्हाइट कलर जल्दी से और स्मूथली स्प्रेड हो जाएगा. आप देख सकते हो आपको व्हाइट कलर बैक साइड, साइड्स पूरे इसमें आपको अच्छी तरीके से स्मूथली पेंट करना है. उसके बाद हम लेंगे रेड एक्वायरलिक कलर उसके ऊपर. आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो एज पर योर कलर कॉम्बिनेशन, और उसको भी अच्छे तरीके से स्मूथली पेंट कर लेना है. तो अब मैं ले रही हूँ ब्लैक 3D आउटलाइनर. हम उससे हमारे पेट का नाम लिखेंगे. आप अपने पेट का नाम लिख सकते हो. और थोड़े से पॉ प्रिंट्स के डिज़ाइन बना रही हूँ मैं आजू बाजू से ताकि उसको एक टची लुक दे. फिर से आपको आउटलाइन कर लेना है ब्लैक 3D आउटलाइनर से ताकि जो हमारा टैग है वो उसको फिनिशिंग दिखे और स्मूथ दिखे. आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर दिख रहा है. सो अभी मैंने यहाँ ग्लिटर के स्ट्रिप्स, ग्लिटर पेपर के, सो आपको उसको साइड्स में चिपकाना है बोन के. मैंने ग्लू गन से उसको चिपकाया है, आप देख सकते हो, ताकि हमने जो काटा था कार्डबोर्ड उसको इतनी फिनिशिंग नहीं थी. तो ये चिपकाने के बाद आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा और इफेक्टिव भी दिख रहा है. सो मैंने यहाँ पे लिया है तार छोटी सी और उसको बीच में से मैंने उसको टाई कर लिया है. यस, आप देख सकते हो. फिर मैंने लिया है एक रिंग की तार जो यूजुअली कीचेन्स या फिर नेल कटर्स उसमें रहती है. सो आप देख सकते हो एंड इट्स रेडी. सो अभी लेना है हमारे डॉग का कॉलर एंड उसको लगाना है हमें ये पेंडेंट. सो आप इसका फाइनल लुक देख सकते हो, बहुत ही प्यारा दिख रहा है ये. ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि किसने घर पे बनाया है. सो चलिए फिर मेरे डॉग को पहना के दिखाते हैं. ही इज लविंग इन इट एंड आप देख सकते हो बहुत ही खुश है वो. आप देख सकते हो उसका फाइनल लुक गाइज़.